जिला श्योपुर की नगर पालिका परिषद द्वारा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर ईदगाह रोड पर नव निर्मित मैरिज गार्डन को नगर पालिका प्रशासन द्वारा निजी हाथों में सौंपना गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दरअसल हाल ही में नगर पालिका परिषद श्योपुर द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर ईदगाह रोड पर नव निर्मित मैरिज गार्डन का निर्माण किया गया, जो कि गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखकर हुआ था, लेकिन परिषद ने इसे निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप कर निजीकरण को बढ़ावा दिया है, जो कि आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और बहुत ही गलत है। नगर पालिका परिषद ने श्योपुर की गरीब जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। नगर पालिका परिषद ने इसे 87 लाख रुपए में 3 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को लीज पर दे दिया है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका एक दिन का किराया कितना होगा। क्या कोई गरीब व्यक्ति अपनी बेटी या अपने बेटे का विवाह इस मैरिज गार्डन से करना चाहते होंगे, तो क्या वे इस गार्डन के महंगे खर्चे का वहन कर पाएंगे? सच कहा गया है कि किसी गरीब का दुख, उसकी परेशानी या व्यथा केवल गरीब व्यक्ति ही समझ सकता है, कोई अमीर व्यक्ति नहीं। अमीरों को मात्र व्यक्तिगत लाभ से ही सरोकार है।